हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वीडियो फाइल को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जो भी वीडियो फाइल्स होती हैं उनका जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उनके साइज को कम करेंगे, मतलब उनको उसको कंप्रेस करेंगे बिना उसकी क्वालिटी को लूज करते हुए। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी वीडियो फाइल को कैसे कंप्रेस करते हैं बिना उसकी क्वालिटी को लूज करते हुए, तो फिर आप इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहां पर ये इमेज है, इस इमेज में जैसे ही होवर लेके आते हैं तो यहां पर ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको किसी भी वीडियो को कंप्रेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो बिल्कुल फ्री है। आपने क्या करना है, ये वेबसाइट खोलनी है handbrake.fr। इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप वहां पर से क्लिक करके इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को खोल ये वेबसाइट को खोलेंगे, यहां पर आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो यहां पर से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर यहां पर नहीं आ रहा ऑप्शन तो यहां पर ये देखिए डाउनलोड्स है, आप इस डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे तो यहां पर ये आपको सारे के सारे वर्जन दिखाएगा। अगर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका विंडोज में 64 बिट है तो यहां पर से कर सकते हैं, 32 बिट है तो यहां पर से कर सकते हैं, अगर उबंटू आपके पास है तो यहां पर से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत कम एमबी का है, 15 MB का सॉफ्टवेयर है और काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे जो फाइल है आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आपके डेस्कटॉप में एक आइकन बन जाता है, इस आइकन में आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो जैसे इसमें डबल क्लिक करते हैं उसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है वो खुल जाता है, उसके बाद हम इसमें जो कंप्रेशन है उसको करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो कंप्रेशन होता है दो टाइप का होता है। हमने इंजीनियरिंग के टाइम में पढ़ा था कि कंप्रेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है लॉसलेस कंप्रेशन और एक होता है लॉसी कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन जो होता है उसमें लॉस नहीं होता, आपकी जो क्वालिटी होती है वो नहीं जाती है, ठीक है, और आपका जो डेटा होता है वो कंप्रेस हो जाता है। तो देखिए जैसे ये सॉफ्टवेयर है ये खुल जाता है, इसको खुलने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर से सोर्स में क्लिक करना है, या तो सोर्स में क्लिक करिए या फिर जो भी फाइल है डायरेक्ट यहां पर ड्रॉप कर दीजिए। तो सोर्स में क्लिक करा, उसके बाद यहां पर से आप मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल को भी कंप्रेस कर सकते हैं और सिंगल फाइल को भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर से हम एक फाइल में क्लिक करते हैं, उसके बाद यहां पर हम डेस्कटॉप में आते हैं। डेस्कटॉप में आते ही यहां पर से वो हम फोल्डर या फाइल जो भी है उसको ढूंढ लेते हैं। जैसे ये कंप्रेशन टेस्ट है, यहां पर ये देखिए पीआर नाम से एक क्या है वो पड़ा फाइल पड़ी हुई है, इसका हम साइज देख लेते हैं कि इसका साइज कितना है। राइट क्लिक करके मैं इसको प्रॉपर्टीज में क्लिक करता हूं, तो यहां पर ये देखिए इसका जो साइज है 242 MB है और हम इसकी बिना क्वालिटी को गिराए हुए हम इसको कंप्रेस करेंगे। तो यहां पर इसको क्लिक करा और इसको ओपन कर लिया, तो जैसे ही ओपन कर लिया उसके बाद यहां पर ये देखिए ये टाइम दिखाता है 40 MB का जो 40 मिनट का जो है ये वीडियो है और एक फाइल जो है इसने सेलेक्ट कर ली है, 40 मिनट का इसका ड्यूरेशन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन होते हैं, पिक्चर यहाँ पर सबसे पहला पिक्चर ऑप्शन है, इसमें देखिए यहाँ पर आपने ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका क्रॉपिंग में जो है इतना एरिया जो है ये क्रॉप कर देगा, टॉप से इतना कर देगा, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से। तो आपने क्या करना है, इसको कस्टम में करना है और इन सब सारी वैल्यू को जीरो कर देना है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी क्रॉप नहीं करना है। ठीक है, तो इसको जीरो रख लीजिए। जैसे इसको जीरो रख लिया उसके बाद यहाँ पर आपके पास वीडियो का ऑप्शन आता है, तो बाय डिफॉल्ट तो ये जो होता है ये 20 पे सेट होता है। अगर आपको क्वालिटी लो चाहिए तो आप इसको यहां को करेंगे तो यहां पर से क्वालिटी इसकी लो हो जाएगी, ठीक है, और अगर आप यहां को करेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है वो कम नहीं होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, जितना बाय डिफॉल्ट था उसको हम 20 पे ही सेट करते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए आपके पास एक ऑडियो का ऑप्शन होता है, ऑडियो में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास बिटरेट का होता है, तो आप इसको कम कर सकते हैं, 128 में क्लिक सेट कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर पिक्चर में आते हैं तो सारी चीजें देख लीजिए सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेब ऑप्टिमाइज है, तो ये जो हम कंप्रेशन कर रहे हैं इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है और इसका फायदा क्यों है। जैसे मान लीजिए कोई आप वीडियो है यूट्यूब में अपलोड करते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर आपका वीडियो का साइज कम है तो आपका जो वीडियो है वो जल्दी अपलोड होगा, ठीक है, और जो वीडियो डाउनलोड अगर कोई करना चाह रहा है तो उस वीडियो को जल्दी डाउनलोड कर लेगा, और अगर कोई उसको लोड करना मतलब देखना चाह रहा है तो वो बफर काफी जल्दी होता है अगर उसका साइज जो है छोटा है। और मान लीजिए अगर आपने कोई पेड जो है होस्टिंग खरीद रखी है और वहां पर आपका साइज जो है वो लिमिटेड है होस्टिंग का, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर कम साइज होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा डेटा वहां पर आप सेव कर सकते हैं। और यदि आप अपने जो वीडियो आपने क्रिएट कर रहे हैं उसको आप किसी क्लाउड स्टोर में रख रहे हैं
स्टोरेज में रख रहे हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स में या फिर गूगल ड्राइव में रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कम डेटा होने से आपका जो डेटा है वो ज्यादा आएगा और उसका स्पेस कम कंज्यूम होगा। और यदि आप अपने मेमोरी कार्ड में, अपने फोन के मेमोरी कार्ड में उसको डाल रहे हैं, तो उसका फोन का मेमोरी कार्ड कम यूज होगा और आपके पास ज्यादा स्पेस बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसको वेब करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें किस किस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एंड्रॉइड फोन के लिए कर रहे हैं तो आप इसको एंड्रॉइड फोन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्रॉइड फोन सेट कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको नॉर्मल में कर रहे हैं। तो जैसे इसको सेट कर लिया, सारी सेटिंग सही हो गई है। यहाँ पर वेब ऑप्टिमाइज ध्यान रखे कि यहाँ पर वेब ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट में क्लिक करते हैं। तो जैसे स्टार्ट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक एरर आ रही है, प्लीज चूज डेस्टिनेशन फॉर द फाइल। तो फाइल का जो डेस्टिनेशन है वो अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर ब्राउज में हम क्लिक करते हैं और इसको हम बता देते हैं कि इसने वीडियो कहाँ सेव करना है, यहीं पर सेव करना है। तो हम इसको नाम दे देते हैं टू के नाम से दे दिया। और यहाँ पर से फिर क्या करा, सेव में क्लिक करा। तो सेव में जैसे क्लिक करा, तो ये देखिए डेस्टिनेशन भी सेट हो गया, सोर्स भी सेट हो गया और सारी की सारी सेटिंग सेट हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करना है। तो जैसे ही स्टार्ट में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर से देखिए नीचे बॉटम में प्रोग्रेस बार यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे ही प्रोग्रेस बार खत्म हो जाएगा, इसकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपके पास यहाँ जिस फोल्डर में आपने डेस्टिनेशन फोल्डर दिया, उस फोल्डर में आपके पास डेटा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा वेट करते हैं और इसको होने देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही कंप्रेशन जो है वो फिनिश हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने जहाँ पे इसका डेस्टिनेशन दिया है, यहाँ पर ये देखिए फाइल बन के आ गई है, ठीक है। ये दो जो हमने दिया था, दोनों इसका नेम जो दिया था टू दिया था, और उसके बाद ये जो इसकी ओरिजिनल है, तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल का साइज देखिए 242 MB है, और यहाँ पर ये देखिए जो नई फाइल क्रिएट हुई है इसका 144 MB है, ठीक है। यहाँ पर से हमने इसका साइज देख लिया। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इसको प्ले करा, ये जो ओरिजिनल है, ठीक है, ये देखिए ओरिजिनल ये है, और इसका जो अभी नया क्रिएट हुआ है इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। और ये देखिए क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, देखिए एज इट इज क्वालिटी। तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए और अपनी जितनी भी फाइल्स हैं उनको कंप्रेस करके यूज करिए, तो आपका काफी जो स्पेस है वो बचेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसमें लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।